नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मलसर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी आपकी विगत वीडियो से चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, नवीन सत्र 2021-22 के लिए हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य संबंधी रीतिकालीन जो काव्य आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें क्या क्या अंक योजना है, कौन कौन से पाठ है, कौन कौन से कवि हैं, कैसे उनके कितने कितने पद हैं, उनके बारे में हमने सामान्य जानकारी ली थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अब बात करते हैं हम इनका आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें हम जानकारी लेते हैं और उसमें प्यारे विद्यार्थियों यही जो पेपर है वो प्रथम प्रश्न पत्र की भांति और इस पेपर का नाम है प्यारे विद्यार्थियों निबंध एवं नाटक। आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य विषय में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सेकंड पेपर है वो है निबंध एवं नाटक। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अवधि 3 घंटे की है। अगर सब कुछ सही रहा और ठीक प्रकार से अगले सत्र में परीक्षा होती है तो ये 3 घंटे का पेपर होगा और कम से कम इसमें पास होने के लिए 36 अंक चाहिए और पूर्णांक है 100 अंकों का, इसलिए आपको अधिक से अधिक अंक है वो अर्जित करने हैं। और इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न आएगा व्याख्याओं से संबंधित और ये जो प्रश्न आएगा व्याख्याओं से संबंधित कुल 3 व्याख्याएँ होंगी। ठीक है, प्रश्न पहला होगा उसमें 3 व्याख्याएँ होंगी। ठीक है, जैसे कैक है गय घय छ, तो इस क्रम से ये अथवा में होगी। ठीक है, ये अथवा में होगी। प्यारे विद्यार्थियों, करनी कितनी है, ये कै खै में से एक हो गई ये और ये गय और ये घय में से ये एक हो गई और छ में से ये एक हो गई, तो इस प्रकार से करनी कितनी है, 3 करनी है, 6 दीवी आएगी। तो एक प्रश्न हो गया आपके व्याख्याओं से संबंधित, ये 30 अंकों का हो गया तो व्याख्या होगी आपकी 10 + 10। ठीक है, एक व्याख्या कितनी की हो गई, 10 अंकों की हो गई। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो कुल 3 व्याख्याएं करनी है, तीनों पाठ्यपुस्तकों से आएगी। आपकी किताबें 3 हैं, नाम तो क्या है, निबंध एवं नाटक, तो एक किताब तो आपकी निबंध संग्रह की है, एक किताब आपकी नाटक की है और एक किताब आपकी एकांकी संग्रह की है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से अलग अलग तीनों ही पाठ्यपुस्तकों में से एक एक प्रश्न यानी एक एक व्याख्या आएगी, यानी एक व्याख्या आपके निबंध वाले पाठों से आएगी, एक व्याख्या आपके एकांकी वाले पाठों से आएगी और एक एक जो आपके गद्यांश या जो व्याख्या है वो किसमें से आएगा, आपका ये नाटक रक्त ध्वज इससे आएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में है 3 प्रश्न आलोचनात्मक पूछे जाएंगे, 54 अंकों का होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंकों के प्रश्न और यही प्रश्न वही है जो है आपके तीनों में से पूछे जाएंगे, तो ये आपके 54 अंक के हैं यानी 54 अंकों का होगा और ये जो प्रश्न है वो तीनों ही किताबों से आएंगे यानी निबंध से, नाटक से और एकांकी से। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न निबंध नाटक व एकांकी के संक्षिप्त आलोचनात्मक विकास क्रम एवं प्रमुख रचनाकारों से संबंधित होगा। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों तीनों ही चीज़ आ गई है, निबंध भी आएगा, नाटक भी आएगा और एकांकी भी आएगा, यानी एक प्रश्न इसमें 6 प्रश्न तो ऐसे ही बनते हैं कि निबंध का उद्भव विकास, निबंध के तत्व, ठीक है, निबंध की विशेषताएँ, नाटक का उद्भव विकास, नाटक के तत्व, ये 2 प्रश्न बन गए। इसी प्रकार से एकांकी का उद्भव विकास, एकांकी के तत्व या एकांकी तात्व विवेचना, इस प्रकार से 6 प्रश्न तो यही जो महत्वपूर्ण है वो आते ही हैं लगभग, ये बन जाते हैं। इसके अलावा जो आलोचनात्मक विकास क्रम किस प्रकार से हुआ इनका, तो वो ये जो प्रश्न है वो इसमें से आपके आएंगे, रचनाकारों से संबंधित टिप्पणियाँ भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले तो ये 16 अंकों का होगा, तो आपके 30 अंकों की व्याख्या होगी यानी गद्यांश की जो व्याख्या होगी वो होगी, इसमें उपन्यास क्षमा करना एक आपके निबंध से भी और एकांकी से भी और साथ ही साथ आपके नाटक से भी। और एकांकी में जो एकांकी वाले जो पात्र बोलते हैं, जहां प्रमुख पात्र विसर्ग दिया हुआ होता है वहां से जो वो पात्र नहीं आएगा, उसे बाद का जो गद्यांश है वो ही आएगा, ध्यान रखना, तो वो इस प्रकार से उसका पूछा जाएगा यानी उसकी व्याख्या आपको करनी है। 3 प्रश्न आएंगे इसी इन्हीं किताबों में से, इन्हीं पाठ्यपुस्तकों में से और इसी प्रकार से इनकी इनके विकास यात्रा, उनके तात्व विवेचना, रचनाकारों से संबंधित बातें भी पूछी जाएगी, वो 16 अंकों की होगी। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 3 प्रश्न हो गए, इसी प्रकार से अथवा में आएंगे, जैसे आपने व्याख्या आ गई है उसी प्रकार से अथवा में ये आपके प्रश्न भी 3 आएंगे। कितने आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे,
और ये अलग अलग हो गए, एक प्रश्न निबंध का हो गया, एक प्रश्न आपका एकांकी का हो गया, एक आपका हो गया नाटक का। तो इस प्रकार से 3 प्रश्नोत्तर आएंगे और 54 नंबरों के होंगे वो। अब देखिए निबंध संग्रह की आपके कुल कितनी निबंध है। निबंध संग्रह पुस्तक में प्यारे विद्यार्थियों आपके 9 निबंध है वो संकलित है। प्यारे विद्यार्थियों इसमें देखिए पहला निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है ये। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है ये, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा, निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट जी। अगला पाठ है कवि कर्तव्य। कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है या निबंध है। और इसके बाद में है तुलसी के सामाजिक मूल्य, ये जो निबंध है वो जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, ये निबंधकार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। चौथा है भारत एक है, ये रामदारसी दिनकर जी की रचना है, रामदारसी दिनकर जी का निबंध है भारत एक है। अगला देखिए कवि तेरा भोर आ गया है, कवि तेरा भोर आ गया ये कुबेरनाथ राय जी के द्वारा रचित निबंध है। छठा निबंध है वो राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है ये, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित निबंध है। अगला सातवां है मानस की धर्मभूमि, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है मानस की धर्मभूमि। अगला है आठवां पार्थिव धर्म, ये विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित निबंध है पार्थिव धर्म। अगला निबंध है राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, कन्यालाल सहल जी की रचना है ये। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये 9 निबंध है, इन्हीं में से एक गद्यांश आएगा, इसमें से प्रश्न आएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपका नाटक वाला भाग, तो नाटक है आपका रक्तध्वज, रक्तध्वज नाटक है, इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर। और प्यारे विद्यार्थियों ये नाटक है वो गोविंद गिरी जी जो बिलों के प्रमुख आंदोलनकारी थे और बिल संप सभा की जिन्होंने स्थापना की थी, ऐसे गोविंद गिरी जी के बलिदान की या गोविंद गिरी जी के जीवन चरित्र की घटना को लेकर के ये नाटक लिखा गया है। तो ये एक तरह से राष्ट्र भाव से ओतप्रोत ये नाटक है रक्तध्वज, और लेखक है डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर। अगला जो आपकी अगली पुस्तक है एकांकी संग्रह, इस किताब में प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपके 6 एकांकी दी गई है, एकांकी दिए गए हैं, नया पुराना। एकांकी शब्द प्यारे विद्यार्थियों पुल्लिंग होता है, ध्यान रखना, एकांकी पढ़ा जाता है, पढ़ी नहीं जाती, कई बार ये शब्दार्थ शब्द ऐसा लगता है स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये पुल्लिंग है, एकांकी पढ़ा जाता है। तो नया पुराना एकांकी उपेंद्रनाथ अस्क जी का है। दीपदान जो कि पृथ्वीराज पन्नाधाई जी की शौर्य गाथा, पन्नाधाई जी का त्याग है, उदय सिंह को बचाने का त्याग है, वो दीपदान में आता है ये जो इससे संबंधित है घटना, दीपदान राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित एकांकी है। और बीमार का इलाज ये एकांकी उदय शंकर भट्ट का है। प्यारे विद्यार्थियों भोर का तारा ये 12वीं कक्षा में होनी चाहिए, 12वीं कक्षा में है आपके साहित्य में भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर, और ये प्रेम कहानी है, और इसमें भी व्यक्तिगत प्रेम के बदले राष्ट्र प्रेम को महत्व दिया जाता है। और इसके अलावा ईद और होली बहुत ही सुंदर सांप्रदायिक सद्भावना का ये पाठ एकांकी है ये, ईद और होली सेठ गोविंद दास जी की है। हिंदू और मुस्लिम जो सांप्रदायिकता का भाव है, एकदम सद्विचारों का भाव है, तो ये इसमें दिखाया गया है। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा का एकांकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों 6 एकांकी है, 9 निबंध है और 1 नाटक है। तो इस क्रम से प्यारे विद्यार्थियों ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, और इसमें इस प्रकार से प्रश्नोत्तर आएंगे, इसको आप ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करें। और आशा करता हूँ यहाँ तक की जो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।